और आज दोस्तों मैं पूरी रात जगी हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। पर अभी बात नहीं करूँगी, नहीं तो बच्ची और बार उसकी रोने की आवाज़ आ रही है तो यहाँ, और मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों जय माता दी, हर हर महादेव। अभी रात के बज गए हैं 1:10 होने वाले हैं और आज दोस्तों मैं पूरी रात जगी हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मतलब आंखें मेरी मोटी पड़ गई हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, नींद मुझे नहीं आई है। और ये सोमवार की रात है, कल का व्लॉग शाम से हमने ख़त्म कर दिया था और 1 रात से व्लॉग शुरू कर दिया है। तो मैं मुझसे गलती हो गई कि मैं जब ब्लॉग शुरू की हूँ उसके बाद से मैं आप सभी को अपडेट करती रही। अभी 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी मैं जग रही हूँ। ऐसे करके मुझे वीडियो बनाना था, जब जग ही रही हूँ, नींद आ ही नहीं रही है, तो वीडियो मुझे ऐसे करके बनाना था। लेकिन पहले मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है, क्योंकि दोस्तों एक टेंशन की वजह से मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं नहीं सो पा रही हूँ। अचानक से मुझे अभी याद आया कि क्यों ना मैं ब्लॉग बनाती चलूँ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। और 1:10 हो गए हैं तो दिन हो गया है मंगलवार का, तारीख हो गई है 30 दोस्तों, और देखती हूँ कि मैं कितने बजे तक जगती हूँ। 1:15 हैं, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो नींद अगर मुझे नहीं आएगी तो 3 से मैं मेरा काम करना शुरू कर दूँगी। मैंने सोचा था कि मंगलवार को मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल सोमवार की रात, मतलब मैं जग ही रही हूँ, मेरे लिए रात दिन बराबर हो गया है आज का। तो मैंने सोचा था कि मंगलवार को मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी थकान से महसूस कर रही हूँ और थोड़ा सा मुझे आराम चाहिए था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आज का व्लॉग नहीं बनाऊँगी। और दोस्तों बीच बीच में बिल्ली जो है ना, वो आ करके घर के पीछे, जो हमारा घर गिरा हुआ है वहाँ पे आके बार बार उसकी रोने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ ब्लॉग तो मैं बना रही हूँ पर मुझे डर भी लग रहा है, दरवाज़ा मैं खोली हूँ, सब लोग छत पे हैं, मुझे आप सभी से बात करना था इसीलिए मैं यहाँ रूम के अंदर आई हूँ। और मुझे बहुत डर लगता है, बिल्ली जब रोती है ना और रात में जब कुत्ता रोता है मैं बहुत डरती हूँ। ये देखिए रात में जो आलता वगैरह लगाया था ना पूरा अभी लगा है, और अभी भी मुझे बिल्ली की आवाज़ आ रही है उसके रोने की, तो मुझे डर लग रहा है। अभी मैं आप सभी को टाइम दिखा देती हूँ, फिर चलती हूँ उस छत पे। भले ही घर में एक छोटा सा सदस्य क्यों ना हो दोस्तों, अगर घर में आप अकेली हो तो पूरी शैतान के जैसा लगता है घर, ऐसा लगता है पूरे घर में भूतों का डेरा हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि घर में चाहे एक बूढ़ा बुजुर्ग हो या बच्चा हो पर साथ में कोई होना चाहिए। तो अभी मुझे डर लग रहा है, मैं देख रही हूँ दोनों तरफ, अपने ही घर में डर रही हूँ मैं। टाइम आप सभी को दिखाती हूँ, फिर छत पे चलती हूँ, फिर मैं आप सभी को फिर से 1-2 आप सभी से फिर मिलूँगी, फिर 3 मिलूँगी। तो अभी दिखाती हूँ आप, ये देखिए दोस्तों टाइम हो गया है 1:15 होने वाले हैं। ये घड़ी हमारी 5 लेट चल रही है, टाइम इसका 5 लेट है। तो अभी 15 पूरा कंप्लीट हो गया, लगभग 20 होने वाले हैं। तो दरवाजे पे ताला बंद करूँगी पहले मैं, और पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है अकेले, बड़ा चुपके चुपके मैं दरवाजे में ताला भी बंद कर रही हूँ और खोल करके 3-4 मैं नीचे आ चुकी हूँ, कहीं इसके पापा चौंक के ना उड़ जाएं, बच्चे ना रोने लग जाए कि आज घर में कोई चोर आ गया है क्या, बार बार दरवाज़ा खोल बंद हो रहा है। 2 मोबाइल चार्ज करने के लिए आई और अभी आप लोगों से ब्लॉग में बातें करने के लिए। ताला बंद कर दिया है, चल रहे हैं छत पे। दोस्तों रात के 1 हैं और चारों तरफ सन्नाटा है, सियार और कुत्ते बिल्ली इन्हीं की आवाज़ें सुनाई दे रही है। 3 रात जाके कहीं चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आएगी। सीढ़ियों पे आ गई हूँ, चल रही हूँ, पर अभी बात नहीं करूँगी नहीं तो बच्ची और उसके पापा जग जाएंगे।
और अभी दोस्तों चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ दिख रही है तो बाहर की लाइटें दिख रही हैं। अब गांव में भी लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया है। पहले के समय में गर्मी के टाइम में या फिर बारिश का टाइम हो, जब तक बारिश ना होने लग जाए तब तक सबकी चारपाई तख्ते बाहर दिखती थी, और अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज से डरावना, आज से पहले मेरे चैनल पे कभी ऐसा वीडियो नहीं आया दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, आप लोग देख सकते हो इनके सिरहाने से मैंने मोबाइल निकाल के देख रही हूँ बार बार कि अभी टाइम क्या हो गया है। और ये देखिए, अभी को रात में पानी पीने की आदत है, जब भी ज़्यादा गर्मी होती है रात में 2-3 बार ये पानी पी ही लेते हैं, और ठीक से इनके नींद नहीं, अभी आंखें खुली है और पानी पीने लग गए हैं। एकदम से सिरहाने पे पैर की तरफ चले जाते हैं ये सोते सोते, और हमेशा अपने पापा के हाथ पे ही ये सोते हैं या फिर हमारे हाथ पे। नींद बिल्कुल नहीं आ रही है दोस्तों, तो अब हम क्या करें, 2 बजे का टाइम हो गया है, तो अब हम सोच रहे हैं पूरी रात जग ही गए हैं तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। अभी 2 बजे का टाइम हो गया है, तो ये छत के ऊपर की वायर है जो निकाल के हम रख देते हैं, और अब हम इसको लगा रहे हैं। ये देखिए कब से ये इतना चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, परेशान करके रख दी है मुझे, और इसके चक्कर में आज मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। अभी ये दरवाज़ा जैसे ही खुला इसके कान में आवाज़ गई, ये अंदर जाने के लिए आ गई है। और आज की दोस्तों पूरी रात ही हमारी डरावनी रही है। अभी 2 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, नींद नहीं आ रही थी, नीचे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे हमको डर लग रहा है, अकेले नीचे नहीं जाएंगे, छत पे सब लोग सो रहे हैं, यहीं पे रहेंगे। और झाड़ू रसोई में लगा दिया है और कुछ देर तक यहीं पे काम करते रहेंगे। चूल्हे की पोताई कर रहे हैं, तो आज चूल्हे की पोताई करते टाइम दीवार वगैरह नहीं पोतेंगे क्योंकि कल खाने में कुछ खास नहीं बना था, तो इसलिए ज़्यादा हमारा रसोई घर गंदा नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे पोताई कर ली है। क्लेचर अपने बाल का पता नहीं कहाँ रख दिया है, अंधेरे में मिल ही नहीं रहा है, कुछ डर की वजह से हमारा मन ही नहीं लग रहा है ढूंढने में, और कुछ अंधेरे की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए हम आ चुके हैं नीचे, करीब अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो अभी देखा नहीं है पर सामने ही घड़ी लगी है, देख देख करके टाइम काम कर रहे थे चुपके चुपके आराम आराम से। बीच में इनकी आंखें भी खुली, ये पूछ भी रहे थे कि तुम सोई नहीं हो क्या, मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, जब मैं चूल्हे की पुताई वगैरह कर रही थी उसी टाइम इनकी आंखें खुली थी। तो अब क्या करूँ दोस्तों, नींद तो आ ही नहीं रही, पूरी रात तो ख़राब हो गई, धीरे धीरे सवेरा आने को हो गया है, तो क्यों ना घर का काम कर लिया जाए, अब जग ही रहे हैं। अभी रात सुबह तक में मुझे एकदम से, जब हमारा जो शरीर है इसे आराम चाहिए, हमारी जो आँख है इसको भी आराम चाहिए, रातों दिन अगर हम जगते रह जाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं, और पूरा भारी भारी सा मन लगता है, एनर्जी नहीं रहती है, आलस रहती है, तो वैसा ही हाल हमारा हो जाएगा सुबह तक में। कभी भी हम पूरी रात नहीं जगे हैं दोस्तों, सोए होंगे चाहे आधे घंटा आधा घंटा ही सो सही, पर सो ज़रूर लिया, लेकिन आज का ऐसा दिन रहा कि 1 मिनट भी हमारी आंखें नहीं लगी है, पता नहीं क्यों। तो अभी मंगलवार का दिन शुरू हो गया है और झाड़ू यहाँ पे हम लगाना शुरू कर दिए हैं, तो झाड़ू लगा के यहाँ पे पोछा वगैरह, मतलब अभी जग ही रहे हैं तो घर के सारे काम कर ही डालेंगे। तो अभी पीछे साइड लग गया है झाड़ू,
अब यहाँ आगे लगाएंगे और उसके बाद घर में पोछा मार देंगे। सीढ़ियों तक हम झाड़ू लगाते हुए जाएंगे। अभी देखिए एक चीज़ और है कि जैसे बच्चे सो रहे हैं तो काम करने में मन लगता है, शांति से सारे काम हो जाते हैं और लगातार काम एकदम चित लगाकर काम में अपने मतलब एकदम से हमारा यही रहता है कि हमारे काम हो जाएं। तो जिस काम में एकाग्रित होकर हम मन लगाते हैं ना तो फिर उसको होने में टाइम नहीं लगता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो झाड़ू लगाते ही लगाते हमें याद आया दोस्तों कि कल जो है हमें इन्होंने बोला था कि किसी दिन चूनी वाली रोटियां बनाओ। तो चूनी वाली रोटी बनाने के लिए हमने दाल भिगो दिया था, मिक्स दाल, अरहर, मटर, मूंग की दाल और चने का भी दाल था, पर टाँड पे रखा था। कौन इस समय टाँड पे चढ़े, बच्चे अभी होते तो निकाल देते। तो जो भी दाल थे वही हमने भिगो दिया। इसकी रोटियां बनानी है हमको, सुबह बनाएंगे। अभी देखिए सीढ़ियों पे भी झाड़ू लग गया है हमारा। गर्मी के कारण दोस्तों ये सारे काम रात में हम शाम को नहीं कर पाते हैं। गर्मी से सब बेहाल रहते हैं, फिर खाना बनता है जैसे वैसे ही छत पे लेके सब चढ़ जाते हैं, वही खाते हैं और पीते हैं, फिर सब आराम से अपना अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। सुबह ही ये सारे काम होते हैं। तो अभी हमने बेसिन को भी साफ़ कर दिया है, उसका नल वगैरह गंदा था उसको भी साफ़ कर दिया है। अब रसोई की दोनों हमारे किचन की भी सफाई हो गई है, हमारी रसोई की भी सफाई हो गई है। अब रह गया है तो घर में पोछा लगाना और बर्तन धोना रह गया है। मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक हम सारे काम करेंगे और अंदर ही अंदर के काम हम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बाहर का की काम है जैसे झाड़ू लगाना, छप्पर के अंदर झाड़ू लगाना और गोबर उठाना, सानी करना, तो ये सारे काम हम नहीं करेंगे क्योंकि डर के मारे अभी हमारी बाहर हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। एक बार दरवाज़ा खोल के देखा था क्योंकि बिल्ली जो है वो तंग कर रही थी इसीलिए। तो अभी रसोई की सफाई ऊपर हो गई है, किचन की सफाई नीचे रह गई है, तो नीचे भी साफ़ कर लेंगे। पोछा लगाने के लिए बाल्टी को उठाए थे हमने, सोचा वहाँ दरवाजे के पास से पोछा लगाना शुरू करेंगे, लेकिन यहीं से शुरू कर दिया है पोछा लगाना। तो यहाँ पे रसोई में जब हम पोछा लगाते हैं ना, यहाँ का पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसके लिए अलग से पानी हमें लेना ही पड़ता है। तो हमने सोचा पहले यही पोछा लगा लेते हैं, इसका पानी फिर बदल देंगे, फिर पूरे रूम की सफाई यानी कि पोछाई हम कर देंगे। तो ये देखिए इतना छोटा सा हमारा किचन है पर गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी, यहाँ का पानी भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो अभी रसोई की सफाई हो चुकी है फाइनली, फ्रिज पे भी थोड़ा सा पोछा लगा देंगे, उसके बाद पूरे रूम में हम पोछा लगाएंगे। आधा तो कर लिया है, वीडियो मतलब स्पीड में लगा दिया है, बीच बीच में रुक रुक करके लगा रहे थे। यूँ तो पूरी रात में दोस्तों अगर आप गांव के लोग 9-10 बजे तक तो सब सो ही जाते हैं क्योंकि जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। गांव के लोगों का यही हाल है, सुबह 4 बजे से पहले कुछ कुछ लोग उठ जाते हैं। तो जब शाम को जल्दी सब सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसीलिए सारे जो काम है वो रह जाते हैं कि चलो सुबह जल्दी उठ के कर ही लेंगे। पोछा मारने के बाद यहाँ हम बर्तन की सफाई करने के लिए आ गए हैं। बर्तनों की आवाज़ सुबह ज़ोर ज़ोर से मतलब कितना भी धीरे धीरे चुपके चुपके बर्तन को रखो लेकिन बर्तनों की खड़खड़ाहट दूर तक जाती है। सुबह की जो आवाज़ होती है ना दोस्तों वो दूर तक जाती है, मतलब एक मोहल्ले की आवाज़ दूसरे मोहल्ले तक सुनाई देती है। सुबह सन्नाटा चारों तरफ पसरा होता है जिससे आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो हमारे बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मतलब खिड़की भी डर के मारे हम नहीं खोल रहे थे, अब जाके खिड़की खोलेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का। और खिड़की से बाहर हम देख रहे थे कि बाहर का क्या नज़ारा है, उजाला हो रहा है कि नहीं उजाला हो रहा है, मतलब आज की रात जो है वो कट ही नहीं रही है। बस हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से उजाला हो जाए। घड़ी देख रहे हैं 3 बजे, फिर भी खिड़की खोल खोल के चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 3 बज गए हैं, 3 बजने में 5 मिनट अभी बाकी है और सारे काम हमारे निपट गए हैं। मतलब शांति से अकेले में लगातार काम करो तो टोटल 1-1.5 घंटे का काम होता है घर का। और अब बाहर का झाड़ू बचा है और गोबर बचा है, वो अभी हम नहीं करेंगे। झाड़ू लगाएंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, आवाज़ें दूर तक जाती है सुबह सुबह की। तो अब हम जा रहे नहाने के लिए और मोबाइल को लगा देते हैं चार्जिंग में। फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए जा रहे थे लेकिन फिर एक काम याद आ गया, ये दरवाजे के जो पर्दे हैं इनको 5-6 दिन से धो के रखे हैं लेकिन लगाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और कुछ हम इसको इसलिए नहीं लगा रहे थे, इनके जो झालर लगे हैं ना वो फट गए थे, तो हमने सोचा मशीन से सिल लेंगे फिर उसके बाद लगा देंगे। लेकिन अभी लगा दिया, जिस दिन भी टाइम मिलेगा हम निकाल के सिलाई कर देंगे। और ये देखिए अभी हम आ चुके हैं नहा करके और अभी 3:15 बजे का टाइम हो रहा है, सामने घड़ी में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो अभी नहा लिए दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे सवेरा हो रहा था ना वैसे वैसे अभी हमें नींद अब जाके आना शुरू हो गई थी। आँखें कड़वी भी लगने लग रही थी, आँखें दर्द भी होने लग गई थी और स्वेलिंग भी हल्की सी आ गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सब कुछ हो रहा था, आँखें रगड़ भी रहे थे, सोच रहे थे किसी तरह से नींद आ जाए, पर अभी नींद नहीं आ रही। लेकिन अब नहीं सोना है, अगर अब सो गए तो मुझे लगता है कि 8 बजे ही सुबह हमारी आँखें खुलेगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है, दिन मंगलवार का है, खाना टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें 4:30 बजे तो हमारी आंखें ही खुल जाती है। तो अब 1 घंटे के लिए हम नहीं सोएंगे। यहाँ पे नहा लिया है दोस्तों और नहाने के बाद पूजा करके हम अपने लिए चाय बना रहे हैं, क्योंकि चाय पी लेंगे तो थोड़ी जो अभी आंखें लगना शुरू हो गई है वो नहीं लगेंगी। तो इसलिए हम सिर्फ अपने लिए चाय बना रहे हैं, 1 चाय बनाएंगे बस। तो धीरे धीरे दोस्तों सुबह का ही टाइम हो ही गया है, तो हमने सोचा अब बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आलू काट के रख लिए हैं, आलू और टमाटर की सब्जियाँ बनेंगी। बस अभी 1-2 दिन की और बात है, नहीं तो फिर बड़ी वगैरह हम बना सकते हैं। तो चाय तो बन ही रही थी, हमने सोचा चाय एक साइड बन रही, इधर तड़का लगा देंगे, सब्जी को छोंक देंगे, फिर हम आराम से चाय अपना पी लेंगे। तो आलू को काट के सब्जी को धो भी लिया है, जितने चीज़ों से तड़का लगाना है जैसे जीरा, मेथी और हींग, राई, हरी मिर्च, इन्हीं चीज़ों से ही तड़का लगाएंगे। चाय को छान के ग्लास में रख दिया है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। 1 चाय ही बनाए थे लेकिन चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, तो कोई पीने वाला है नहीं, हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि खाली दूध की चाय बनाई है, थोड़ा सा पानी डाला है बस, नहीं तो चाय पूरे दूध की ही बनी है। तो सब्ज़ी में यहाँ तड़का भी लग गया है और टमाटर वगैरह मसाले वही बेसिक वाले डाले हैं जो बेसिक मसाले डेली पड़ते हैं। तो किचन में आप लोग बोलते हो कि डब्बा जो छोटा बड़ा है इसको एक साइज़ का डब्बा आप ले लो, मीशो पे 24 डब्बे कुछ रुपए का हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था। तो दोस्तों हमने कल की वीडियो में आप सभी को बताया होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक किचन छत पे बन जाए, एक मिट्टी का रसोई जो है वो है, एक किचन भी बनवा लेते हैं। पी रहे हैं चाय, तो आप लोग भी चाय पीजिए। और सुबह सुबह अभी 4:20 बजे बाकी है, चाय का मज़ा लीजिए, पी लेते हैं चाय। और चावल अभी नहीं बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, चावल और रोटियां बाद में बनाएंगे। चावल तो 8 बजे तक में बना लेंगे, नहीं तो फिर खाना ख़राब हो जाएगा, पूरा दोपहर तक खाना चलता है सुबह का। तो चावल बनाएंगे और रोटी चूल्हे पे बनेगी, आज चूनी वाली रोटियाँ बनेंगी हमारे यहाँ, दाल इसीलिए भी होके रखा है, दिखाएंगे आप सभी को। तो चाय पी लेते हैं और अब थोड़ा उजाला होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया रातों रात काम, थोड़ा उजाले का भी मुंह देख लेते हैं। चाय पी के यहाँ पे बैठ गए थे दोस्तों और बैठे ही बैठे हमें नींद आना शुरू हो गई थी। मन कर रहा था कि बिस्तर पे बस बिल्कुल जाके सो ही जाए, ना उठें, लेकिन थोड़ी देर हम लेटे थे, हमें ये घड़ी बार बार देख रहे थे, टाइम भी देखे जा रहे थे, सुबह का टाइम हो गया। साड़ी में पिन नहीं लगाए थे लेकिन अभी लगा लिए हैं।
तो देख नींद ना लग जाए इसलिए हम उठ करके बैठ कर काम करना शुरू कर दिया है। चावल हमने सोचा था नहीं बनाएंगे, सुबह 8 बजे तक में बना लेंगे, लेकिन वो भी बना लिया है क्योंकि अभी हम ये सब नहीं करते ना तो फिर नींद आ जाती अगर लेट जाते तो इसीलिए बनाना शुरू कर दिए हैं। इधर आटे लगा लिए थे और पराठे बनाए हैं, कुछ रोटियां बनाई हैं, कुछ पराठे बनाए हैं। बच्चों को हमेशा सुबह चाय के साथ पराठा खाने की आदत है, जब भी इनका स्कूल होता है चाय पराठे, और स्कूल ले जाने के लिए भी चाय इनको माफ़ कीजिएगा चाय बोल रहे हैं, स्कूल ले जाने के लिए भी इनको पराठे और अचार चाहिए, तो उसी हिसाब से पराठे बना लिए हैं, रोटियाँ भी 2-4 सेक लिए। अब सभी घर वालों के लिए चाय फिर से रखेंगे। बच्चे एक एक करके सभी उठना शुरू कर दिए हैं, टाइम 5:30 बजे का हो गया है। आज हम सारी रात जगे हैं तो बच्चों को आज 5:30 बजे ही उठा दिए हैं, नहीं तो रोज़ाना 6 बजे इनको उठाते थे। और ये देखिए आ करके सब यहाँ ज़मीन पे सोना शुरू कर दी हैं। अभी को हमने यहाँ पे संडो पहना दिया है क्योंकि रात भर ऐसे ही थे, छत पे लेके गए थे संडो पर पहनाए नहीं थे। इन्होंने भी नीम की पत्ती तोड़ ली है और खाने के लिए ले लिया है, तो सुबह ये नीम की पत्ती खाते हैं। और दोस्तों अभी की तबीयत ठीक नहीं है, ये रो रहे थे जब से उठे हैं तभी से, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले बुखार आ गया था, जब भी बुखार आता है तो पेट में दर्द ज़रूर होती है, तो ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, 6:30 बजे इनकी जो गाड़ी है स्कूल की आ जाती है। तो टिफ़िन में हमने पराठे सबके अलग अलग पैक किए हैं, नाशपाती है जो शाम को ये लेके आए थे। तो अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और सारा दोपहर आज सोए हैं रह रह करके, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करे हैं। और ये देखिए बारिश हमारे यहाँ होना शुरू हो गई है, और हम आए थे छत पर अभी अभी दाल पीसने के लिए, जो दाल सुबह एकदम भिगो के रखा था, सुबह क्या रात में 2 बजे भिगोया था, चूनी वाली रोटियां बनाने के लिए मन था खाने का तो वो भी नहीं हो पाया है। ये देखिए ये दाल इधर रख दिया, सिलबट्टा भी धो के रख दिया था, दाल पीसने ही जा रहे थे कि बारिश होने लग गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज चूने वाली रोटियां बनेंगी क्योंकि रसोई घर में खटिया रख दिया गया है, बिस्तर उस पर रहते हैं वो रख दिए गए हैं, और बारिश की बूंदें भी टपक रही हैं। 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है और बारिश होगी तो काफ़ी तेज़ बारिश होगी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बिजली इतनी तेज़ से कड़क रही है कि देख के मैं खुद कनकना जा रही हूँ। बेटा दाल उठा लो, चलते ही नीचे, बारिश तेज़ होने वाली है, नहीं बनाएंगे चुनी वाली रोटी बनाने। अभी ये लोग कोचिंग से आए, बादल चिल्ला रहे। हाँ, और दोस्तों जो भाई बहन नए हैं चैनल पे, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।